शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वाड़ी में विश्व हिंदू परिषद व ब्राह्मण सेना द्वारा संयुक्त रूप से भोजन का वितरण किया गया। लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों को खाना देने वाले हाथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 30 मई तक किया है। ऐसे में इतवार शाम 5 बजे करीब वाड़ी स्थित नाका नंबर 10 परिसर में प्रवासी मजदूरों व जरूरतमंदों को भोजन दान के लिए विश्व हिंदू परिषद व ब्राह्मण सेना की ओर से 300 जरूरतमंद परिवारों को भोजन वितरित किया गया। विश्व हिंदू परिषद उमरेड़ जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा, ब्राह्मण सेना वाड़ी अध्यक्ष राजू मिश्रा, फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील पांडे, संगठन प्रमुख महेंद्र शर्मा, अभिजीत राज चौबे, अरुण त्रिपाठी, राकेश मिश्रा, अमित शर्मा, राजस्थान गौड़ समाज के अध्यक्ष विक्रम शर्मा, चिंटू पुरोहित, संजय गुप्ता, कमलाकांत पांडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। निरंतर भोजन सेवा के तहत विश्व हिंदू परिषद और ब्राह्मण सेना संकल्प लिया है कि जब तक भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे, तब तक प्रवासी मजदूरों व जरूरतमंदों को भोजन सेवा निरंतर प्रदान की जाएगी। आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे ब्राह्मण सेना द्वारा इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में जो भोजन दान का कार्यक्रम चल रहा है, आज उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे केसी शर्मा भाई ने इसमें सहयोग किया है और उन्हीं की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जब तक 31 मई तक यह लॉकडाउन चलता रहेगा, तब तक हमारे ब्राह्मण सेना की तरफ से भोजन दान का कार्यक्रम होता रहेगा। पूरे विश्व में और हमारे पूरे भारत में लॉकडाउन 24 मार्च से चालू हुआ है और ब्राह्मण सेना 24 मार्च से निरंतर सभी लोगों को सहयोग कर रही है। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोग कर रही है। भोजन दान हमेशा हम लोग का चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज 24 मई है और 31 मई तक के महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, तब तक के चलते रहेगा। लेकिन उसके साथ में अगर बढ़ता है तब पर भी ब्राह्मण सेना उसके साथ तैयार है और 31 मई को लास्ट हमारे अभिजीत भैया की तरफ से आयोजन किया गया है वहाँ पे। और आज हम लोग हमारे कैलाश भैया जो हैं और हमारे सब संगठन के सभी सब सदस्य लोग हैं, सभी लोग के सहयोग से हम लोग पूरी सब्जी अभी इस समय स्पेशल करके हम लोग गुलाब जामुन भी खिला रहे हैं, इसलिए कि भाई सभी को मीठा भी मिलना चाहिए। और ब्राह्मण सेना निरंतर सहयोग कर रही है सभी जरूरतमंदों को और जो भी सहयोग लगेगा सभी जरूरतमंदों को हम लोग हमेशा पहुँचाते रहेंगे और करते रहेंगे। 31 मई तक के लॉकडाउन है, लास्ट हम लोग ने सोचे हैं कि 31 मई को फिर प्रोग्राम हम लोग करेंगे भोजन दान का। अगर उसके साथ में बढ़ता है तब पर भी हम फिर से तैयार रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक के ये चलते रहेगा। ब्राह्मण सेना के संगठन मंत्री, जब तक महाराष्ट्र सरकार में और भारत सरकार में जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, तब तक हमारी ब्राह्मण सेना किसी को भी भूखा नहीं रहने देगी। हम लोग ये संकल्प लेते हैं और यह सभी को सहकार्य इस देशवासियों को करना चाहिए, मैं सबसे अपील करता हूं। और सभी का धन्यवाद देते हुए मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।